Hello. This is Dr. Harjit Singh Sidhu. Today, I am going to describe a lecture on open loop control system and control loop control system. Basically, system is a control mechanism by which we can obtain a desired or a fixed result. Control mechanism, if we talk about it, this is the mechanism which हम एक सिस्टम को इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो हमें सिस्टम के आउटपुट मिलती है वो रिस्पांस या तो फिक्स्ड हो या हमारा डिजायर्ड रिस्पांस हो जो हमें अचीव करना है. तो हमें कंट्रोल सिस्टम की नीड क्यों पड़ी है? व्हाट इज द नीड ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम? देयर इज अ टू पर्पस ऑफ अ नीड ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम. फर्स्ट इज टू मेक द सिस्टम स्टेबल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ सिस्टम. Second is to obtain the desired or a fixed result. This is the two purpose for which we can design the control system. Basics of a control system. What is the basics of control system? हम control system को कैसे design कर सकते हैं? क्या control system होता है? इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे. Control system basically एक vehicle की operation के से हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज हमने कार को ड्राइव करना, कार को ड्राइव करने के लिए, तो कार को अगर हम सिस्टम में कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे थ्री पर्पस को कंसीडर कंबाइंड करके हमने एक सिस्टम बनाया. दैट इज फर्स्ट है एक स्पीडोमीटर, वो पैडल जो स्पीडोमीटर अटैच है जिसको हम पुश और पुल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट हमारा है कार्बोरेटर और नेक्स्ट हमारा इंजन है. हम पैडल्स को पुश करते हैं, पैडल्स को पुश करने में कार्बोरेटर में रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन है वो इंक्रीज होता है. रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन कारण मीन्स मोर फ्यूल इंजर्ड होगा इंजन में, मोर कंजप्शन बर्निंग ऑफ फ्यूल मीन्स दैट मीन्स मोर फोर्स में मीन्स इंक्रीज इन द स्पीड. इनडायरेक्टली मीन्स फोर्स ऑन अ पैडल मीन्स इंक्रीज इन अ स्पीड. दिस इज बेसिकली अ सिंपल कंट्रोल मैकेनिज्म. हियर वी हैव अ इनपुट सिग्नल दैट इज द पैडल फोर्स. अप्लाइड फोर्स मीन्स मोमेंट ऑफ द पैडल. मोमेंट ऑफ पैडल मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लो रेट. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लो रेट मीन्स मोर फ्यूल इन द इंजन. मोर फ्यूल इन द मीन्स मोर आउटपुट पावर. दैट मीन्स इन अ सिंपल बेसिक कंट्रोल सिस्टम दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कंट्रोल स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म. हियर द आउटपुट वेरिएबल इज स्पीड ऑफ द वेरिएबल दैट इज डिपेंड अपॉन द इनपुट वेरिएबल. हियर इनपुट वेरिएबल इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द पैडल. दिस इज द simple speed control system. This speed control system improved the control mechanism of a simple control system by adding two additional features. One is control mechanism. Here control mechanism is a human brain or a some automatic control system. And second is measuring device. Measuring device means feedback mechanism. That is a speedometer in case of a speed control mechanism. तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है. सबसे पहले हम इनपुट वेरिएबल मींस कोई भी अप्लाइड फोर्सेस. फिर अप्लाइड फोर्सेस टू इनिशिएट द वंस इनिशिएट द सिस्टम. वंस इट इज इनिशिएट द सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म. सिंपली अप्लाइंग द फोर्सेस देन सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो रेट एंड देन डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो रेट engine start working and now our vehicle is start moving. जब हमारा vehicle movement start हो जाता है उसके बाद second आता है कि speedometer measure that speed of the particular vehicle. We have set a particular target that means our vehicle is moving at a speed of 100 km per hour but the human being जो उसको मेजर कर रहा है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो व्हीकल है वो मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है. इट मीन जो हमारी सेट वैल्यूज है दैट इज मोर देन द सेट वैल्यू से ज़्यादा हो रही है हमारी टोटल जो मेजरिंग स्पीड है. इन कंडीशन पे जो ह्यूमन ब्रेन है वो वर्क करेगा और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से वर्क करेगा. वर्क करने के बाद वो देख रहा है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है देन वो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं वो उसको धीरे से कम करेगा. मीन्स वो उठा लेगा फोर्स. अगर वो फोर्स कम करेगा इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो रेट हमारा रेट ऑफ फ्यूल जो इंजेक्शन है वो कम हुआ. रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन कम हुआ तो बर्निंग प्रोसेस में हमारा
जो है वो कम हुआ, देयर मींस लेस फोर्स प्रोड्यूस हुई, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल्ड वे में डिक्रीज होने स्टार्ट होगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंप्रूव्ड कंट्रोल मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू द सिंपल बेसिक कंट्रोल मैकेनिज्म। और बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर टू मैकेनिज्म वी कैन बाइफ्रिकेट अवर कंट्रोल सिस्टम इंटू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट वन इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड इंप्रूव्ड कंट्रोल मैकेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द ओपन लूप एंड कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम, here is the four basic definitions. First is feedback mechanism, second is plant, then reference input, then controlled variable, and last one is controller. Starting with the feedback mechanism, what is feedback mechanism? Is it is basically a some part of the output is returned back to the input to form a part of the system excitation. Means humne output ka kuch part leke input ko dena hai, aur jo output ka part input pe aa raha hai wo एक एक्साइटेशन का मीन्स है, एक इनपुट का काम कर रहा है हमारी सिस्टम हमारे कंट्रोलर के साथ मिलके, सो दैट कि हमारा एरर सिग्नल प्रोड्यूस हो गया, उसके आगे वो आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो गो ऑन चलता रहेगा। प्लांट प्लांट मीन्स है कोई भी डिवाइस, कोई प्रोसेस और अ सिस्टम जिस पे हम अपना कंट्रोल नीड टू बी कंट्रोल, जिस पे हम काम करना चाहते हैं, दैट इज द प्लांट। रेफरेंस इनपुट इट इज एक्चुअली द सिग्नल इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल्ड वेरिएबल it is basically the output, that means it is a signals that must be maintained at a desired value. Last one is controller. Controller means it receive the difference between the reference input and the measured output and generate the control action based on that particular comparison. Comparator is basically a comparator that compares the two values, one is reference input, another is measured output values. Based on that particular action, our plant start working. Next is open loop control system. As we have already discussed few things about open loop control system in basic control system, ab open loop control system ko aap keh sakte ho ye control mechanism hai jisme hamara output jo hai wo input ko affect nahi karta hai. तो जैसे हम एक डायग्राम में वहाँ पर इजिली हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है। प्लांट क्या चीज़ है? वो पर्टिकुलर सिस्टम हो सकता है हमारा, कुछ वैल्यू हो सकती है कुछ भी जिस पे हमने काम करना चाहते हैं। तो प्लांट में हमारी रेफरेंस इनपुट आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस इनपुट वी गॉट द कंट्रोल वेरिएबल आउटपुट। तो यहाँ पर डिफरेंस और नॉइसेस हमने जस्ट फॉर द रेफरेंस शो करा है कि वो भी हमारे सिस्टम का इनपुट का पार्ट हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली वॉशिंग मशीन और टोस्टर हमारे बेस्ट एग्जांपल है फॉर ओपन लूप सिस्टम के। वॉशिंग मशीन और टोस्टर वो लोग इस कह सकते हो, थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं। अब टोस्टर का मेन पर्पस है कि हमने जो हमारे ब्रेड हैं उनको हमने एक बेक करना है, वो दैट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ टोस्टर। बट टोस्टर में क्या होता है कि हमने एक टाइमर लगाना है, जैसे सपोज हमने 2 मिनट का टाइमर लगा दिया, 3 मिनट का लगा दिया, 1 मिनट लगा दिया, तो जब तक टाइमर है वो ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। इन केस ऑफ हमने ब्रेड लगा के टाइमर लगा दिया, अगर ब्रेड बीच में इनबट वो बर्न भी हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा, पर वो टाइमर कंप्लीट होने के बाद भी ऑफ होगा। इट मींस ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि हमारा बेक होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी वर्क है, वॉशिंग मशीन बेस्ड ऑन द टाइमर। इट मींस अगर 40 मिनट्स का टाइम, 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, इट would not able to check the cleanliness of the clothes. That is the main purpose of washing machine. It is an example of a open loop control. In case of a control loop control system, आप closed loop आपने control system बनाना है as compared to open loop control system. तो यहाँ पे हमने दो mechanism नए add करे हैं plant के साथ। एक हमारा controller है जो compare कर रहा है input variables को और reference variables को। और next आपका है feedback mechanism। हम तीन हो गए। One is समिंग पॉइंट है, देन कंट्रोलर है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके तीनों के अकॉर्डिंगली हमारा क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन हो रहा है। अभी ये कर रहा है क्लोज लूप कर रहा है, हमारा जो आउटपुट का कुछ पोर्शन है वो इफेक्ट कर रहा है इनपुट को टू मेंटेन द डिजायर आउटपुट एक्शन। तो यहाँ पे जो एरर सिग्नल है दैट इज द कंपेरिजन बिटवीन द इनपुट रेफरेंस सिग्नल और द मेजर्ड सिग्नल इज द फीडबैक सिग्नल फ्रॉम दैट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल। उन दोनों के कंपेरिजन के बेसिस पे हमारा एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है। एरर सिग्नल के अकॉर्डिंगली हमारा कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है, वो फर्दर प्रोसेस कर रहा है प्लांट्स को, और हमारे पास फर्दर आउटपुट मिल रही है हमको
कंट्रोल्ड आउटपुट। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, हमारी एक वोल्टेज को पर्टिकुलर आउटपुट मेंटेन करता है। अगर हमारी वोल्टेज एक फ्लक्चुएट करके इंक्रीज करे तो वो स्टेप डाउन करता है, अगर वो हम स्टेप वो वोल्टेज हमारी कम आ रही है तो उसको स्टेप अप करके वो 240 को मेंटेन कर दे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल। देन नेक्स्ट स्लाइड्स में हम अपना देखेंगे कि हमारे पास ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम जो हमने अब तक डिस्कस करें उन दोनों में डिफरेंशिएट करें तो किस बेस पर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की भी हमेशा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है ओपन लूप और क्लोज सिस्टम बेसिक डिफरेंस क्या। तो डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है भी आउटपुट का पे क्या इफेक्ट पड़ता है ओपन लूप और क्लोज सिस्टम में। अगर ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो आउटपुट नॉट इफेक्ट द इनपुट, इन क्लोज सिस्टम में चेंज इन आउटपुट इफेक्ट द इनपुट एक्शन। तो सेकंड फीडबैक मैकेनिज्म, ओपन लूप सिस्टम में देर इज नो फीडबैक मैकेनिज्म बट इन क्लोज लूप सिस्टम देर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द आउटपुट। ऑपरेटिंग कंडीशन, ओपन लूप सिस्टम में वर्क्स ऑन अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, क्लोज लूप सिस्टम में डज नॉट हैव फिक्स्ड ऑपरेटिंग कंडीशन बट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और इंटरनल वेरिएशन डज नॉट मस्ट चेंज द आउटपुट। स्टेबिलिटी, ओपन लूप सिस्टम इज मोस्टली स्टेबल, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी इज अ मेजर इशू, सिस्टम नॉट स्टेबल बट स्टेबिलिटी शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ओनली। इफेक्ट ऑन द सिस्टम गेन, सिस्टम गेन के टर्म्स में बात करें तो ओपन लूप सिस्टम इज मोस्टली स्टेबल एंड क्लोज लूप सिस्टम इज वो डज नॉट कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लोज सिस्टम, इट इज अ नो लीनियर चेंज इन द सिस्टम गेन। इम्प्लीमेंटेशन, ओपन लूप सिस्टम मीन्स ईजिली टू construct and means that is easily to implementation. In terms of a closed loop system working on a complex working principle, that means it is difficult to implement. Sensitive to noise, open loop control system is highly sensitive to noise whereas closed loop system is less sensitive to noise. Effect on the non-linearity, open loop system is highly affected whereas closed loop system is closed loop system में non-linearity almost reduced to minimum value because of that feedback mechanism. Accuracy, open loop system is inaccurate with small bandwidth whereas closed loop system is very much accurate and have a large bandwidth. Examples of open loop system is washing machine, toaster, water tank controller, traffic light controllers are the best example of open loop control system. And missile launching system or voltage stabilizer is the example of a closed loop. On the basis of discussion, so far, the closed loop system, basic block diagram closed system is shown in figure. इसमें आपने क्या करा, हमने एक plant है जो process under control है, उसके बाद controlled variable के लिए हमने controller लगाया हुआ है, feedback mechanism और feedback के लिए. तो हम noises कहाँ पे add कर सकते हैं, plant में हमारी noise और feedback में noise आपकी ऐड हो सकते हैं. तो इन दोनों प्रोसेस में हमने क्या, इनपुट हमारे पास रेफरेंस जो कमांड इनपुट आ रही है उसको हम मेजर इनपुट बीटी से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन के बाद हमारे पास एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है, कंट्रोल्ड वेरिएबल उस एरर सिग्नल बेसिस पर कंट्रोल्ड सिग्नल जनरेट यूटी कर रहा है, यूटी अकॉर्डिंगली हमारा प्लांट वर्क है, हमारे पास कंट्रोल्ड डिजायर्ड आउटपुट मिल रही है. तो ये बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स का है. तो यहाँ तक हमारी ये ओपन लूप और क्लोज डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म होती है. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा मैथमेटिकल मेल्डिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम. थैंक यू.